गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम तरुणा राठी, योर साइंस टीचर ऑफ क्लास थर्ड फ्रॉम टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए थे। आई होप आपने उनको कॉपी में किया होगा, वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। अगर आप उसको एक बार लर्न करेंगे तो आप उनको अच्छे से लर्न कर पाएंगे और उनको अच्छे से आपने आई होप आपने किया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका प्लांट एंड देयर पार्ट, जो सेकेंड चैप्टर है। तो ये सेकेंड चैप्टर, इसमें प्लांट जो है, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में, पार्ट्स के बारे में हमें बताया गया है। तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं डिफरेंट्स। इसके बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, एक तो रूट और एक शूट। रूट जो पार्ट होता है वो ज़मीन के नीचे ही होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, जो पानी अब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो शूट पार्ट होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है, जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। यानी ये ज़मीन के ऊपर होता है, अबोव द ग्राउंड होता है। रूट जो पार्ट होता है वो ज़मीन के नीचे, यानी बिलो द ग्राउंड होता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट। अब इन पार्ट्स के जो अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट है सीड एंड न्यू प्लांट, कुछ किस तरह से सीड से न्यू प्लांट बनता है उसके बारे में रीड करेंगे। अब इसमें आपके देखो ट्री बिल्ड योर वोकैबुलरी में ट्री दिया हुआ है। ट्री क्या होता है? टॉल्स स्टडी एंड वुडी प्लांट, यानी लंबा, मजबूत, और इसकी जो शाखा होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। श्रब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट होते हैं, लेकिन जो इनकी स्टेम होती है वो थिक होती है। नेक्स्ट है रूट, द वाइट पोर्शन ऑफ द प्लांट, जो वाइट पोर्शन होता है प्लांट का, फाउंड अंडर द सॉइल, यानी जो ज़मीन के नीचे हमें दिखाई देता है, ज़मीन के नीचे होता है, उनको हम रूट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्टेम, स्टेम क्या होता है? द पोर्शन ऑफ अ प्लांट, प्लांट का एक ऐसा पोर्शन जो अबोव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर होता है, जिसमें बियरिंग लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होती हैं, जिसको स्टेम बोला जाता है, तना बोला जाता है। नेक्स्ट है एडेबल, समथिंग विच कैन बी ईटन, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम खाई जाती है उसको एडेबल बोलते हैं। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में देखो, वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस, हम हमारे चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, इनकी जो साइज़ जो शेप होती है वो सब अलग अलग तरह की होती है। क्या तुमने अपने आसपास का कोई भी ऐसा पेड़ सेम टू सेम देखा है? नहीं होगा वो, क्योंकि उनकी सभी पेड़ की अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ होती है। सम प्लांट आर भी, कुछ बड़े होते हैं, वाइल सम आर स्मॉल, कुछ छोटे होते हैं। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री, यानी जो बड़े और मजबूत जो होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री यानी पेड़। नेक्स्ट है स्मॉल प्लांट विच हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम, एक ऐसा छोटा पौधा। एक तो ये बिग प्लांट में ट्री आ गया, स्मॉल प्लांट में क्या आएगा आपके? स्मॉल प्लांट में आपके हर्ब्स आएगा, शर्ब्स आएगा। देखो हर्ब्स में क्या होगा कि इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक और बहुत ही छोटी होती है, और ये दिखने में भी बहुत छोटे होते हैं, पतली होते हैं, इसलिए इसको हर्ब्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके शर्ब्स, प्लांट विच हैव थिक स्टेम, यानी इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है, जिनको शर्ब्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसमें स्मॉल प्लांट में आपके हर्ब्स और शर्ब्स दो नाम आ गए, और बिग प्लांट में ट्री का नाम आ गया। बी इट अ बिग ट्री और स्मॉल प्लांट, दे ऑल हैव द सेम पार्ट, यानी इन सब के पार्ट सेम होंगे। हालांकि ये छोटे और बड़े अपने नाम रखेंगे, बिग ट्री में ये आते हैं, स्मॉल प्लांट में ये आते हैं, लेकिन इनके जो पार्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी, यानी जैसे इंसान में द आईज, द ईयर, द नोज, द हैंड एंड द लेग, ये सब सेम होते हैं लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं, इन सब पार्ट्स के फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी आईज़ क्या करती है? देखने का काम करती है। ईयर सुनने के काम आते हैं। नोज सूंघने का। इसलिए ये चीज़ें सेम हैं लेकिन इनके जो फंक्शन है, जो ये काम करते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। इन द सेम वे, उसी तरह द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वो अलग अलग काम करते हैं। अब इसमें पहला है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में, द प्लांट बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ टू मेन सिस्टम। इसमें जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, चैप्टर रीड करवाते सब, कि इसके दो मेन सिस्टम होते हैं, एक तो रूट सिस्टम होता है, दूसरा शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम जो होता है, जिसमें आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो ये नीचे जो रूट सिस्टम आपको लिखा हुआ है, ये ज़मीन के नीचे होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो पानी लेने का काम करता है, वो पानी पूरे पेड़ तक पहुँचाने का काम करता है। नेक्स्ट है आपके शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपके स्टेम आता है, लीव्स आती है, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आपके शूट पार्ट में आती हैं, जो ज़मीन के ऊपर होती है, जो हमें दिखाई देती है। अब इसमें डिटेल में आपको और कुछ डेफिनेशन दी हुई है, देखो ए नंबर पे, अ रूट सिस्टम, इट इज़
दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ फाउंड बिलो द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड के नीचे होती है। द रूट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, और इसके बिना जो है पेड़ बनना मुमकिन नहीं है। अगर रूट नहीं होगी तो कोई पेड़ भी नहीं होगा। दीज आर टू टाइप ऑफ रूट, अब इसमें भी दो टाइप की रूट होती है, एक तो टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होती है, जिसकी एक मेन रूट होती है, जिसमें आपको आगे लिखा हुआ है द टैप रूट। सम प्लांट मे हैव जस्ट वन मेन रूट, यानी इसकी एक मेन रूट होती है ग्रोइंग इन द सॉइल, जो सॉइल में ग्रोथ करती है। दिस मेन रूट इज़ कॉल्ड द टैप रूट, यानी ये देखो आपको इसमें एक मेन रूट आपको दिखाई दे रही है, टैप रूट लिखा हुआ आपके, तो ये जो सॉइल के नीचे होती है जो ग्रोथ करती है। एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट में मैंगो और नीम का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसकी मेन रूट एक ही होती है। नेक्स्ट है फाइब्रस। सम प्लांट लाइक ग्रास राइस ऑनियन हैव मैनी स्मॉल रूट ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, यानी इनकी जो रूट होती है वो बहुत ही होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में फैली हुई होती है। दीज रूट्स आर फाइब्रस रूट, इन रूटों को फाइब्रस रूट, जैसे इस देखो कितनी सारी रूट्स इसमें निकली हुई है, तो इनको फाइब्रस रूट बोला जाता है। अब है फंक्शन ऑफ द रूट, रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। रूट्स एंकर द प्लांट फ्रेमली इन द सॉइल, दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, यानी ये जो है पूरे पेड़ को नीचे एक ही जगह पे बांधे रखती है और पानी से, जमीन से पानी और अदर न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट, वो लेके पूरे पेड़ तक पहुँचाने का काम करती है। सम वेजिटेबल्स सच एज रेडिस कैरोट एक्सेट्रा आर द एडिबल रूट्स, कुछ ऐसे रूट्स होती है जिसमें जैसे खाना जब स्टोर हो जाता है, जितना खाना जितने पेड़ को चाहिए होता है उतना जब ये ले लेते हैं और बाकी खाना जो बच जाता है वो स्टोर हो जाता है, और रूट में वो एज अ कैरेट और रेडिस के रूप में इकट्ठा होता है, गाजर मूली के रूप में, तो दे हैव फूड स्टोर इन देम, यानी इस तरह से जब ये इकट्ठा हो जाता है तो ये जो खाना होता है ये ह्यूमन बींग्स द्वारा खाया जाता है या एनिमल्स द्वारा इनको खाया जाता है, तो ये जो खाना स्टोर किया होता है ये इस खाना एज अ वेजिटेबल के रूप में होता है, जैसे कैरेट और रेडिस। तो ये रूट वाला पार्ट मैंने आज आपको समझा दिया अच्छे से, इसमें कुछ डायग्राम दिया हुआ, आप इसको देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके बेसिकली तो टू पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो ज़मीन के नीचे होता है, जो पानी लेने का या अदर न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं सॉइल में वो लेने का काम करता है, और शूट पार्ट जो होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है, जिसमें फूल फल सब ये स्टेम लीव्स ये सारी चीज़ें हमें ऊपर दिखाई देती है। तो आज इस लेसन में मैं एक हेडिंग यानी रूट्स वाली ही बताऊंगी। नेक्स्ट आपके हैं शूट सिस्टम, शूट सिस्टम में आपके काफ़ी चीज़ें आ जाएगी जो मैं आपको कल बताऊंगी, और आपका चैप्टर भी कल आधा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप इसको एक बार घर पे वापस रीड करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं कल इसको एक बार वापस से समझा दूँगी। थैंक यू।